हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। कई आदमी इंतजार कर रहा था एक इम्पॉर्टेंट फीचर हिल होल्ड एस्टेट S1 प्रो के लिए। कई आदमी इंतजार कर रहा था उसको कैसे एक्टिव करना, आज के वीडियो में आप लोग शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। सबसे पहले हम नॉर्मली स्कोटर चेक किया हो तो कमिंग सून करके लिखा हुआ है। कुछ मात्र गिना चुना 4-5 आदमी को दिया हुआ है ये फीचर। अभी बेटा वर्जन है। यहाँ पर लद्दाख एक बार मैप में सर्च करिए, लद्दाख टू आपका लोकेशन। जैसे सर्चिंग होने के बाद में स्टार्ट बटन दबाइए मैप का। ऑटोमेटिकली स्कूटर ऑफ हो जाएगा, एक रीबूट होके दोबारा ऑन होगा। हमारा थीम भी चेंज हो गया इसमें। पहले मैं टीम में रखा था, अभी नॉर्मल में आ गया। एक बार चेक करते हैं एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ करके। लोअर रीजन में चला गया। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट के लिए, एग्री करने के लिए बोला। ये बीटा वर्जन है, मतलब कुछ टाइम 30 सेकंड्स के लिए काम करेगा करके। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लेते हैं, एक्सेप्ट। एक बार डेमो दिखा रहा है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। एक ऐसा काम करता है करके, मैं दोनों चेक करूंगा। यदि अप में ही करता है नहीं तो डाउन में भी ये काम करता है क्या, मतलब मैं चेक करके आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। ये हम लोग डेमो कई बार आपका स्कूटर में चाहे तो आप कभी भी उसका कैसे काम करते हैं वो डेमो हर स्कूटर में है, आप चेक कर सकते हैं। चलो एक्टिवेट हो गया, फिलहाल मैं स्टार्ट करते हैं स्कूटर को। मैं ज़्यादा हिल में तो नहीं जाऊंगा, मेरा घर का जो चढ़ने का स्लोप है वो भी थोड़ा चढ़ाई जैसा है, उसका एक बार चेक करते हैं। ऑलरेडी मैं चेक किया हूँ, डालाड में रखा हूँ। यहाँ पर तो स्कूटर रुक गया, मैं कोई ब्रेक नहीं दबाया हूँ। अभी मेरा लड़का को बिठा के मैं आपको दिखाऊँगा। लोअर रीजन में चला गया, यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है हिल होल्ड एस्टेट। आप चेंज करना तो यहाँ पर डिफॉल्ट में ला सकते हैं, हाई में भी ला सकते हैं। मैं फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आ गया उसमें आपको मैं रखा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हिल होल्ड लेस इफेक्टिव करके आ गया है। अभी मेरा लड़का को चढ़ाने के लिए बोलते हैं, देख सकते हैं वो चढ़ा के रखा था। मैं आगे पीछे पीछे नहीं रखा हूँ, ढलान भी इतना ही होता है हमारे रोड में भी। कोई ब्रेक नहीं दबाया, यहाँ पर देख सकते हैं हिल होल्ड करके आ गया है। मल्टीपल टाइम्स चेक करते हैं ये काम करता है नहीं करता, उसके बाद ढलान में भी मैं एक बार रिवर्स में भी चेक करूँगा वो भी काम करता है नहीं करता करके। परफेक्ट लॉक हुआ है, ये 30 सेकेंड्स बोल रहा था लेकिन 30 सेकेंड्स से कभी ज़्यादा कभी कम अलग। जैसे ब्रेक दबाया डिसएंगेज हो गया, जैसे क्रूज कंट्रोल में जैसे हम ब्रेक दबाते हैं डिसएंगेज हो जाते हैं, उसी तरह दोबारा एक बार मैं चेक कराया हूँ। इसमें भी आराम से व्हील होल्ड काम कर रहा है। ये प्रॉक्सिमिटी अनलॉक से ये बढ़िया ही काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया अभी। कॉल बैक इट, एक बार डलान में चेक करते हैं काम करता नहीं करता करके। डलान में सेम इसी में रखा, हालांकि डेमो में तो दिखाया नहीं डलान में काम कर रहा करके। देखो तो डलान में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जैसे ब्रेक छोड़ रहा है तो नीचे चला जा रहा है। मैं दोबारा उसको चढ़ा के एक बार और चेक करते हैं। अप में परफेक्ट काम कर रही है। सबसे पहले जैसे आता है तो एक बार ब्रेक दबाना पड़ता है, कई बार अगर ब्रेक दबा के एक्टिवेट हो जाता है, कई बार ब्रेक दबा के छोड़ने से रुक जाता है। देख सकता अभी रुक गया, ये बीटा वर्जन है लेकिन प्रॉक्सिमिटी अनलॉक से काफ़ी अच्छा ही काम कर रहा है।
मोटर में थोड़ा आवाज आ रहा है, माइनर आप सुन सकते हैं। यदि आप लोग इल होल्ड का एक्टिवेट करना चाहते हैं तो S1 वाला भी देख लीजिए, होता है तो मेरा S1 प्रो था इसलिए एक्टिवेट हुआ है। चलिए एक छोटा सा वीडियो तो आप लोग शेयर कर रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आप लोग दोस्त को भी ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सबको नमस्कार, थैंक यू।